हेलो, हाउ आर यू गाइस? लर्न विद इंटीरियर शिराज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक पास्ट पेपर मैपको के हवाले से जो एनटीएस का होने वाला है तो वो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोर्स बताऊंगा कि कोर्स आउटलाइन क्या है, किस में टेस्ट आने वाला है। जी, तो टेस्ट जो है वो हमारा 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 मिनट होंगे। 20 नंबर का जो टेस्ट है वो जनरल टेस्ट होगा और 80 नंबर का जो टेस्ट है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। जो 20 नंबर हैं उसमें आपको बेसिक अरिथमेटिक इंग्लिश पोर्शन है और पाक स्टडी है, उसमें इस्लामिक स्टडी है, थोड़े से करंट अफेयर आ जाते हैं। तो ये 20 नंबर का जनरल टेस्ट होता है, इसको भी आपने करना है क्योंकि ये सबसे अहम नंबर है और इनमें से आपने एक नंबर भी नहीं खोना। जी, आते हैं 80 नंबर के टेस्ट की तरफ। जो हमारा 80 नंबर का टेस्ट है वो प्योर इंजीनियरिंग है और उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो मैं सब आपको बताता हूँ। तो आपने उसको लिख लेना है, जो इजाफी चीज़ें बताऊं साथ के साथ। जी, क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिकल, ट्रांसफॉर्मर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसी एंड डीसी मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांजिस्टर, कंट्रोल सिस्टम, फिल्टर्स, मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने इस पोर्शन को ख़ास तवज्जो से करना है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम नंबर इसमें हासिल करें। तो चलते हैं हमारे पास पेपर की तरफ, मैपको का। लाजमी नहीं कि इस पेपर को सिर्फ मैपको जिनका टेस्ट होने वाला है वो करें, लेस्को वाले भी कर सकते हैं, आइस्को वाले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं तैयारी के लिए। पास पेपर करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले है अ डायोड डैट हैज़ अ नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक इज टनल डायोड। अच्छा, जो इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे उनको मैं स्किप करता जाऊंगा, तो उनको किसी और टाइम में कर लेंगे क्योंकि इसको जल्दी जल्दी हमने करना है। जी, सेकंड की तरफ आते हैं। अ डीसी डीसी कन्वर्टर विद अ हाई स्टेप अप वोल्टेज गेन इज यूज फॉर सेवरल एप्लीकेशन सच एज। इसका आंसर आल है, तो ये मैं पढ़ के जवाब भी सुना देता हूँ। बैटरी ब्रेकअप सिस्टम हो गया, सोलर सेल एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम हो गया, फ्यूल सेल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम हो गया, अ हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प ब्लॉक फॉर ऑटोमोबाइल हेड लैम्प्स। तो ये इसके जो हैं ये आंसर हैं। वी बिल्ड कंट्रोल सिस्टम फोर, तो इसका भी जवाब आल है। पढ़ लेते हैं कौन कौन से। पावर एम्पलीफिकेशन, रिमोट कंट्रोल, कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म, कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये इसके आंसर हैं। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। डैम्पिंग रेशियो इज लेस देन वन रेफर टू विच सिस्टम अंडर डैम्प सिस्टम, बहुत अहम एमसीक्यूज है, ये अक्सर आता है। जी, विच सिस्टम हैज फास्टेस्ट रिस्पॉन्स विथ लोएस्ट ओवरशूट, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम जो है ये हमारा आंसर है। जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट इन बोथ एम्पलीट्यूड एंड टाइम, डिजिटल सिग्नल की बात हो रही थी। जी, ट्रांसफर फंक्शन इज, तो उसका भी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव है। मैथमेटिकल मॉडल, स्ट्रक्चर विद नो फिजिकल स्ट्रक्चर, सिस्टम विद नो डिफाइंड इनपुट्स, कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे की तरफ चलते हैं। इन एलटीआई सिस्टम कैन बी कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंपल्स इनपुट, इसका जो है आंसर है। तो गाइज, पास पेपर को लाजमी पढ़ा करें। अगर आप देख नहीं सकते तो मेरी इस वीडियो को सुनते रहें, इससे भी ये आपके जहन नशीन ये चीज़ें होती रहेंगी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट एल टी आई सिस्टम, कन्वोल्यूशन सम एंड कन्वोल्यूशन इंटीग्रल आर एक्सप्लिट रिप्रेजेंटेशंस। जेड ट्रांसफॉर्म पे आते हैं जी, 10वां। जेड ट्रांसफॉर्म इज यूज व्हेन सिग्नल इज नॉट, इसका आंसर है ए बी एंड सी। Absolute summable, P जो है scarce summable,
और सी जो है कन्वर्जेंस। जी इफ आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जन डज नॉट इंक्लूड यूनिट सर्कल देन जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्जिज। आगे की तरफ चलते हैं। कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था मैं। अच्छा जी, एनी कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम डोमेन इज एन इम्पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन विद इन्फिनाइट हाइट जीरो विद यूनिट एरिया। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सिग्नल रिक्वायर्स इन्फिनाइट, इसका आंसर है, नंबर ऑफ हार्मोनिकली कंप्लेक्स एक्सपोनेंशियल। इफ एक्स एन इज इक्वल टू कॉस पाई ओवर फोर इज द पीरियड इज इक्वल टू, इसका पीरियड जो है वो 8 होगा। जी टू डिक्रीज द पावर ऑफ सिस्टम वो यूजली प्रेफर वन लूप कंट्रोल सिस्टम। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द एस प्लेन आर लाइन ऑफ कॉन्स्टेंट पीक टाइम। विच सिस्टम नीड्स मोर स्टेबिलिटी, मोटर विथ पोजिशन कंट्रोल। ये बहुत ज्यादा अहम MCQs है, अक्सर पास्ट पेपर में ये आया होता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम गिव द फंक्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स। आगे चलते हैं। इन जेड ट्रांसफॉर्म द रीजन ऑफ कन्वर्जन मस्ट बी सेंटर्ड एट पोल्स ओरिजिन। ओरिजिन इसका आंसर है। फॉर LTI सिस्टम इफ ऑल पोल्स एंड जीरो आर इनसाइड यूनिट सर्कल देन, सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, बोथ सिस्टम एंड इनवर्जन ऑफ सिस्टम स्टेबल एंड कैजुअल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पावर फैक्टर क्या है जी? व्हाट इज पावर फैक्टर? द पावर ट्रू पावर आर एपरेंट पावर। इन ऑर्डर टू हैव अ लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन हाई लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। जी गाइस आगे की तरफ चलते हैं। एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। ये MCQs भी काफी सारे पास्ट पेपर में मैंने देखा है। एंड आइडियल करंट सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ओपन सर्किट, इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट थर्मल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी रॉकेट। जी आगे चलते हैं। इन केस ऑफ हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज द लाइन कैपेसिटेंस विद डिक्रीज बट द इंडक्टेंस विल रिमेन यूनिटेड। जी न्यूमेरिकल जो है इसको हम छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल जो है वो बाद में करेंगे। इफ करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 और वोल्टेज लैग द करंट बाय 90 द सर्किट इज कैपेसिटिव। अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड अ नल डिटेक्शन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। अ मूविंग आयरन एमीटर कॉइल हैज फ्यू टन ऑफ थिक वायर सो दैट रेजिस्टेंट इज लेस, रेजिस्टेंस जो है इसकी कम होती है। फॉर मेजरिंग समार रेजिस्टेंस वी यूज केल्विन ब्रिज। ये भी बहुत MCQs है, अक्सर जगह इसको मैंने देखा है। हे ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, इस आगे की तरफ चलते हैं। जी व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको पता है। Accuracy is defined as the measure of instrument by which it is error free. जी आगे की तरफ चलते हैं। A permanent magnet coil meter has which feature? All ये जो है इसके feature, low power consumption, no hysteresis losses, reduce eddy current, reduce damping. By which a meter after checking with no circuit return to its previous state controlling torque. When the shunt resistance of galvano
मीटर सर्किट इंक्रीज इट्स करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज। जी इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव चार्ज आर रेडियल एंड इनवर्ड, इस चीज को आपने याद रखना है। इन पैरेलल रेजोनेंस आरएलसी पीएफ इज पावर फैक्टर इज यूनिटी। जी द ईएम फील्ड एंड करंट आर कनेक्टेड क्लोज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, द फिनोमिना इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। द वेवलेंथ ऑफ एन ईएम वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन एट एन एंगल ऑन अ सरफेस इंक्रीज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जी 44 पे आते हैं। विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेट टू बी पैरेलल पोलराइज्ड। जी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है डेल इनटू एच इज इक्वल टू जे प्लस डी, ये है मैक्सवेल इक्वेशन। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है। इफ करंट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप 2% द पावर डिक्रीज बाय 4। न्यूमेरिकल्स को जो है वो बाद में करेंगे किसी टाइम। विच ऑफ बल्ब ऑपरेट्स ऑन लोएस्ट पावर, टॉर्च लैम्प। लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स बाय आयोनाइजेशन इन अ गैस आर वेपर। जी सुपर पोजिशन थ्योरम रिलेट्स टू लीनियरिटी, ये आपको पता होना चाहिए, काफी दफा ये एमसीक्यूज भी आया है। जी 50 पे आते हैं। अ रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड इज थर्मल रिले। किलोवाट हार इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जी बचहोल्स रिले इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर प्रोडक्शन। सॉलिड ग्राउंडिंग इज यूज फॉर वोल्टेज बिलो 660 वोल्ट। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज फाउंड इन क्लास बी। द चैनल ऑफ अ जे एफ ई टी इज बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, ये बहुत एम एम सी क्यूज है गाइस। ड्यू टू वेलोसिटी सैचुरेशन मॉस्फेट एंटर इन सैचुरेशन रीजन बिफोर पिंच ऑफ वोल्टेज, ये भी बहुत एमसीक्यूज है, बहुत अहम एमसीक्यूज है और काफी पेपरों में ये आया हुआ है, पास्ट पेपर अगर आप देखेंगे। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन। अ डिजिटल मल्टीमीटर विद एमीटर वोल्टमीटर ओममीटर यूजेस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जी रेजोल्यूशन ऑफ एडीसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बिट्स इन आउटपुट। व्हाट विल बी द सैंपलिंग पीरियड टू गेट द सेम सैंपल सिग्नल, हाफ द सिग्नल सैंपल। जी गाइस विच एम्पलीफायर आर यूज इन टीटीएल बाइपोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये सारी स्टेटमेंट दी हुई है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ स्विचिंग रेगुलेटर इज कंट्रोल बाय अल्टरिंग द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज लीस्ट रिलायबल, विंड एनर्जी। जी गाइस 64 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज मॉडरेशन इन न्यूक्लियर पावर सिस्टम, ग्रेफाइट, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अ डीसी मशीन एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। रिचार्जेबल पावर बैटरीज आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज। जी बैटरी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज आर लेड एसिड सेल्स। 67 पे हम आ गए। इन थ्री फेज फोर वायर सिस्टम हाउ मैनी वोल्टेजेस आर अवेलेबल, बहुत एम एम सी क्यूज। जी आंसर है 2। वेक्टर एक्ट्स एज अ वोल्टेज कंट्रोल वेरिएबल कैपेसिटर।
विच इंजन हैज द हाईएस्ट एयर फ्यूल रेशियो गैस टर्बाइन 70 जो है वो हमारा न्यूमेरिकल है, 71, 72, 73 भी न्यूमेरिकल है तो इनको स्किप करते हैं, 74 पे आते हैं. विच टाइप ऑफ सिस्टम इज रेफर्ड बाय न्यूमेटिक सिस्टम प्रेशर. ऑल ऑर्गेनाइजेशन शेयर द थ्री फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: डिस्टिंक्ट पर्पस, डेलिबरेट स्ट्रक्चर एंड पीपल. ये वो है जो आपको मैंने बताया था, जनरल तरह का आपका टेस्ट आएगा 20 नंबर का, 80 नंबर का आपका इंजीनियरिंग आएगा. फॉर मिनिमम इनपुट पर्सन हैज गॉट द आउटपुट हैज यूज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली. शारजा इज इन UAE. अगेंस्ट नेहरूज रिपोर्ट कायदे आजम प्रपोज अ सॉल्यूशन ऑफ हाउ मैनी पॉइंट्स. जी 14 नुकात, ये सबको पता है. द पनिशमेंट फॉर रॉबरी इन इस्लाम इज हाथ काट देना, कटिंग द हैंड ऑफ द थीफ. विच विल बी नेक्स्ट इन सीरीज, एक सीरीज गिवन है तो 12 इसका आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग रुकन इस्लाम इज कॉल्ड अ शील्ड. जी रोजा जो है वो, फास्टिंग जो है वो शील्ड. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड किबला. किबला जी इसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ, सामने. जी नॉर्थर्न एंड ऑफ पाकिस्तान इज ऑक्यूपाइड बाय वेस्टर्न रेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. हिमालयन रेंज. ठीक है जी. द एशियन नेम ऑफ ईरान इज, हर किसी को पता होगा आप मेरे ख्याल में, पारसी. ऑन 6 सितंबर इंडियन अटैक, इंडिया ने जी लाहौर पे जो है वो अटैक किया था. US वाशिंगटन DC इज कॉल्ड मैग्निफिशेंट डिस्टेंस सिटी. जी गाइस, तो ये कुछ MCQs थे और एक पास पेपर मैपको के MCQs थे जो मैंने आपको करवाए हैं. तो अपनी कंप्लीट तैयारी भी कीजिए, इनको भी लाजमी देखिए मुकम्मल. आपने इन पे भी इक्तफा नहीं करना, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लर्न विद इंजीनियर शिराज को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर कीजिए. अल्लाह हाफिज़.